हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे राग यमन के आलाप की। तो राग यमन की दो तीन बंदिश में ऑलरेडी पहले दे चुका हूं, तो आज हम राग यमन का आलाप कैसे बजाएंगे ये देखेंगे। यमन का परिचय मैंने आपको पहले दे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। राग यमन संपूर्ण जाति का राग है जिसका वादी और संवादी ग और नी है और इसमें म तीव्र लगता है। शुरुआत नी से होती है, मंद्र सप्तक के नी से, और प का भी लोप करते हुए म के ऊपर, म के बाद तुरंत ध ऊपर जाते हैं। तो इसका आरोह अवरोह कैसे होगा देखिए। नी रे ग म ध नी सा सा नि द प म र रे सा। तो यह है राग यमन का आरोह अवरोह। अब इसका एक एक टुकड़ा आलाप का गाकर और बांसुरी पर बजाकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये आलाप तैयार करेंगे तो अवश्य आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप ये ख्याल में रखिएगा कि राग यमन का सिर्फ यही आलाप नहीं है, ये एक सैंपल के रूप में मैंने आपको दिया हुआ है। इसको लिख के इसी को आपको करना है ऐसा नहीं है। आपके माइंड में यमन के जो भी स्वर आए आप वो आलाप कर सकते हैं। ये मैंने सैंपल के तौर पे आपको कुछ आलाप दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं राग यमन का आलाप। Nee.
Thank you.
नी ग म प म ध प म ध प म रे ग सा नी रे ग म प रे ग रे ग रे सा नी रे ग रे ग म प म रे ग सा नी द नी रे ग नी द सा नी रे ग म प म ध प नी द प म ग रे सा नी द नी रे ग म प म ध प madhani ne da ne da ne da pa madhani da pa ma re ga sa ni da ni re ga ma pa ma re ga ga ma pa re sa नी रे नी रे ग रे ग म प म रे ग प रे नी रे नी रे ग नी रे सा नी रे ग म प म ध
Ni re ga ma pa re
रे ग म प रे सा।
मधनि सानि दनि द प म रे ग प रे ग म प म रे ग प रे अब ये जो आलाप शुरू हो रहे हैं ये जोड़ के आलाप बोलते हैं, उसको माइंड में ताल चलता है लेकिन बाहर कहीं ताल नहीं होता है, तबला नहीं होता है, लेकिन ये माइंड में ताल बीट को ध्यान में रखते हुए इसको गाते हैं, तो इसको जोड़ आलाप कहते हैं। तो जोड़ आलाप ऐसे शुरू होता है, सा 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 ने 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 मधनि रे सा 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 सा। तो ये था राग यमन का आलाप, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसकी अवश्य तैयारी कीजिएगा, आपको अवश्य अच्छा लगेगा और इसमें से आपको राग यमन के बहुत सारे स्वर माइंड में आएंगे। इसी में से आपके माइंड में सब कुछ ताने भी आएंगी। जब आप ये आलाप करेंगे तो आपको बंदिश बजाना भी अच्छा लगेगा और मैंने 2-3 बंदिश ऑलरेडी यहाँ पे ट्यूटोरियल रखा हुआ है। आप ये आलाप करने के बाद तुरंत ये बंदिश भी कीजिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे क्लासिकल ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।